मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 15 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 73वीं किश्त के रूप में 15 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। सभी किसान भाई बहनों को जय जोहार। इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि और गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय प्रदीप शर्मा जी, सुब्रत साहू जी, कमलप्रीत जी, अयाज जी, प्रसन्ना जी, गौरव जी और सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी साथियों, अभी लगातार छत्तीसगढ़ के हम लोग दौरा कर रहे हैं और जिधर भी जाता हूँ हरे भरे खेत दिखाई पड़ता है और किसान होने के नाते तो मन प्रसन्न हो ही जाता है। इस साल बारिश भी समय समय पर हो रहा है तो फसल अभी तक के ठीक है, कहीं कहीं कुछ शिकायतें आ रही है, उसे भी हम लोग जो शासन के निर्देश होंगे आवश्यक निर्देश उसे देंगे। इस साल हम लोगों ने 20 क्विंटल धान खरीदी करने का फैसला किया है। पिछले साल 107 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने धान खरीदा था, इस साल लगभग 125 लाख मीट्रिक टन खरीदी होने की उम्मीद है। लेकिन ये जो रिकॉर्ड है पिछले 5 साल में सर्वाधिक होगा और हर साल नया रिकॉर्ड हम लोग बनाते जा रहे हैं। सरकार बनी तो उस समय 80 लाख, फिर 82 लाख, फिर 90 लाख, फिर उसके बाद 107 लाख, अब 125 लाख के आसपास। लेकिन इस समय भारत सरकार ने पहले 86 लाख मीट्रिक टन चावल हमसे खरीदने का वादा किया था, उस हिसाब से बारदाना देने की, और अभी फिर से जो पत्र आया है उसमें उसको घटाकर 61 लाख कर दिया और बारदाने की कमी का भी फैसला भारत सरकार ने लिया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों मैंने प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से पत्र लिखा है कि जो हमारा धान चावल खरीदने का जो कोटा है उसे यथावत रखा जाए। आज गोधन न्याय योजना के किस्त और जारी किया गया, जिसमें आज के कार्यक्रम में सर्वाधिक राशि 23 करोड़ 93 लाख रुपए का अंतरण किया जा रहा है। इसमें जो गोबर विक्रेता है उसे 5 करोड़ 36 लाख, स्व सहायता समूह और गौठान समितियों को 2 करोड़ 77 लाख का भुगतान किया गया और जो स्व सहायता समूह और सहकारी समितियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में 13 करोड़ 55 लाख रुपए का भी भुगतान आज किया गया। गौठान समितियों के 42,644 सदस्यों को 2 करोड़ 25 लाख रुपए का मानदेय भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जा रहा है। आज किए जा रहे भुगतान को मिलाकर कुल गोधन न्याय योजना के में अब तक किए गए भुगतान का आंकड़ा 581 करोड़ 24 लाख रुपया हो जाएगा। गोबर से कंपोस्ट खाद के उत्पादन से जुड़े स्व सहायता समूहों के कंपोस्ट खाद के विक्रय पर प्रति किलोग्राम 1 रुपया के मान से 12 करोड़ 32 लाख रुपये तथा सहकारी समितियों को प्रति किलो 10 पैसे के मान से 1 करोड़ 23 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि के रूप में ऑनलाइन जारी किया गया।